एक खिलाड़ी के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है? ओलंपिक जैसे इवेंट में डिस्क्वालीफाई होना, वो भी तब जब वो फाइनल में हो। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। विनेश फोगाट अगर क्वालिफाई होती तो इंडिया के लिए सिल्वर नहीं गोल्ड पक्का था। कल की बस एक ही स्ट्रेटजी है बेटा, कल तने इस तरह लड़ना है कि लोग तने याद रखें। अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तने भूल जाएंगे, गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी। अगर मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। मगर अचानक से इस पूरी खबर ने हम सब की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। News coming in, heartbreak for India. India's Vinesh Phogat has been disqualified from the Paris Olympics after she could not make the weight on the morning of a 50 kg gold medal bout. तो विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। रात को ही पता चल गया था विनेश फोगाट और उसकी टीम को, कोचेस को, कि विनेश का जो वजन है वो ऊपर जा चुका है। तो कहां चूक हुई, कहां ऐसी लापरवाही हुई जो विनेश फोगाट के वजन को सही नहीं किया जा सका? क्या स्ट्रेस एक वजह बनी या फिर किसी की साजिश ने विनेश को डिस्क्वालीफाई करवा दिया? पहले दोस्तों विनेश फोगाट की जो रेसलिंग की कैटेगरी होती थी वो होती थी 53 kg, मगर उसके बाद जो आपने देखा पीछे जो प्रोटेस्ट हुए ब्रिजभूषण के खिलाफ, कमेटी दिखाने के लिए थी लेकिन पर्दे के पीछे रन तो ब्रिजभूषण ही कर रहा था पूरी चीजों को, तो उसके बाद इसकी कैटेगरी ड्रॉप होकर हो गई 50 kg। कि अगर 50 kg आपकी वेट लिमिट है तो अगर आपका वेट 49 kg है या उसके आसपास है तो क्या ये सही अप्रोच थी ओलंपिक में अपने आप को क्वालिफिकेशन के लिए खड़े करना? इतने कम मार्जिन पर खेलना क्या सही था? ये क्वेश्चन भी खड़ा होता है। एक स्कोप तो बनता है कि देखो वेट 49 से थोड़ा बहुत ऊपर तो होता है, ग्राम से ऊपर तो जाता है। आपने भी देखा होगा जब वेट करते हो तो कभी कभी हमारा वेट हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है। तो 50 kg अगर आपकी कैटेगरी है तो क्या आपको 49 के आसपास वेट रखना सही था या गलत था? डिस्क्वालिफिकेशन होने के तुरंत बाद विनेश फोगाट की टीम कोचेस का यह कहना था कि विनेश फोगाट के बाल वगैरह ट्रिम करवा दो, ब्लड बॉडी में से निकाल लो ताकि वजन कम हो जाए। क्वालिफिकेशन के लिए जाने से पहले अगर ये सब जो मैंने बताया आपको, जो ये सोच रहे थे बाल कटवाना या ब्लड को बॉडी में से निकालना, अगर ये सब पहले करते या पहले सोच लेते तो शायद कुछ कर जा सकता था, मगर उसके बाद ये सोच आई तो पॉसिबल नहीं। अब सारी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। एक ओलंपिक इवेंट में फाइनल तक पहुंचना, उसके बाद डिसक्वालीफाई होना, बहुत बड़ा सेटबैक है। मतलब मैं बोलूँगा कि एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ा जो इवेंट होता है, जो एक अकम्प्लिशमेंट का पॉइंट होता है, वो होता है दोस्तों ओलंपिक में जाकर अपनी जो मेहनत है उसको साबित करना। वो तभी साबित होती है जब आप अचीव करते हो मेडल को। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर जगह तन्ने बचाने तेरा पापा ना आवेगा। मैं तन्ने सिर्फ लड़ना सिखा सकूं पर लड़ना तन्ने खुद है। जोर लगा, हार निकल। मगर ये सब कारण की वजह से, ये सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से अगर आप अपने मेडल को नहीं पाते तो मैं बोलूँगा एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची है हमारे इंडियन जो स्पोर्ट्स है उसको, बहुत तगड़ी क्षति पहुँची है। क्योंकि हमारी जो इंडियन स्पोर्ट्स है वैसे ही बहुत लैग करती है, आपको पता है। और हमारे वर्ल्ड में कितने जो कंट्रीज़ हैं वो सब मेडल्स लेके आने में कितने आगे हैं, आपको पता है। चाइना हो गया, USA हो गया, ये सब मेडल लेके आने में बहुत आगे हैं। हमारा इंडिया ही है जो एक एक मेडल को तरसता है, और उस मेडल में भी अगर ऐसी खामियां, ऐसी कमियां रह जाए, जब आप मेडल तक पहुंचने वाले होते हो, जब आपका सिल्वर तो पक्का ही होता है, चलो गोल्ड नहीं था, सिल्वर तो पक्का ही आना था, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट बोलूँगा इसको हमारे इंडियन स्पोर्ट के लिए। इस बात की भी बहुत लहर उठी कि अपील करते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट आगे कुछ है, ओलंपिक जो उसकी फेडरेशन है, मैनेजमेंट है, जो अफेयर्स हैं उनके सारे जो हैंडल करते हैं, उनको अपील की जाए कि इस जो ये डिसीजन लिया गया उसको रिवोक करें और अपना इस डिसीजन को चेंज करके विनेश फोगाट का मैच करवाया जाए। मगर अब कुछ नहीं हो सकता। विनेश फोगाट के चाचा जी का और उसके परिवार वालों का भी बहुत बुरा हाल है, रो रो कर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि ये क्या हो गया उनके साथ। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था, वो तो सिर्फ मेडल की उम्मीदें लगाकर बैठे थे, मगर इस
बुरी खबर ने सारी उम्मीदों पर मैं कहता हूँ पानी फेर दिया। बड़ा दुख है, सारे देश को दुख है जो मेडल नहीं ले सकी, जो 150 ग्राम वजन फालतू रह गया तो कुछ डिफाइज कर दी, कोई मेडल नहीं आ। सिर्फ उनके परिवार वालों का नहीं मैं बोलूँगा, पूरे इंडिया की उम्मीदें थी कि विनेश मेडल लेके आएगी, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अब विनेश को 4 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो पॉसिबल हो पाएगा अगर कि उसको मेडल लेके आना है। पर एक जो एथलीट होता है उसके लिए मैं कहूँगा बहुत तगड़ा झटका है, बहुत गहरी चोट है ये, क्योंकि इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचना, उसके बाद झटका मिलना, ऐसा बहुत ज़्यादा दुख होता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप अपनी कमेंट में राय रख सकते हो कि क्या ये जो हुआ क्या वो विनेश फोगाट की टीम कोचेस सबकी गलती थी, या फिर ये एक साजिश है जो पॉलिटिशियंस जो भी है, जो भी उनका इतना बड़ा पीछे जो मैटर हुआ था वो आगे लाया गया है, उस रंजिश को उसका बदले का जो भी था, जो भी कुछ हुआ आपको पता है पीछे जो रहा, उसको आगे लेके आकर इसको इसके राह में इसके रोड़े अटकाए गए, तो वो अगर आपको लगता है तो वो भी आप अपना कमेंट में बता सकते हो। बाकी दोस्तों है तो बहुत दुख भरी बात, और अब क्या करें, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओलंपिक, जो इनकी पॉलिसीज हैं, जो वेट कैटेगरीज, जो भी सब कुछ होता है इनकी पहले ही सेट डिफाइंड है, इतना वेट होना चाहिए आपका, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इनके उनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसके हिसाब से ही आपको अपना क्वालिफिकेशन करना पड़ता है, तब जाकर आप आगे बढ़ते हो। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि विनेश फोगाट, वी ऑल इंडियंस आर विद यू, डिसअपॉइंट मत होना, होप मत हारना, हम 4 साल आपका और इंतज़ार करेंगे, आप और अच्छे से मेहनत कर अगले ओलंपिक में अपने आप को अच्छे से क्वालिफाई करना और फाइनल में गोल्ड जीत कराना। थैंक यू सो मच, वीडियो को जरूर लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।